विगत दिनों सिंगरौली जिले से एक बड़ा मामला सामने आया था, जहां एक सौतेले बेटे ने आपसी विवाद के चलते अपनी ही मां की हत्या कर दी थी। पुलिस ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर मामले का खुलासा किया है। मामला विंध्यनगर थाना क्षेत्र का है। दरअसल आरोपी रामजी ने संपत्ति बंटवारे के विवाद को लेकर अपनी सौतेली माँ को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में आरोपी का एक दोस्त भी शामिल था। वहीं पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उक्त आरोपियों के खिलाफ आईपीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। ये अपने पति की दूसरी वाइफ है और पहली पत्नी से एक लड़का इसका और है। तमाम साक्ष्यों के आधार पे हमें ये जानकारी लगी कि मृतका के साथ इसके सौतेले बेटे का जो व्यवहार है वो उत्तम नहीं था, ठीक नहीं था, और खास करके जो पारिवारिक भूमि और पारिवारिक जायदाद थे उसको लेकर के इनके बीच विवाद पहले भी हुए हैं। लड़का ये दबाव दे रहा था। पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जेएसआर टाइम्स के लिए सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।